अस्सलामुअलैकुम, हम आज बनाने वाले हैं समर स्पेशल ड्रिंक्स। दो ड्रिंक्स बनाएंगे, एक वर्जिन मोजिटो, एक सनसेट वाटरमेलन एंड ऑरेंज मॉकटेल बनाएंगे, जो कि आप इफ्तार में भी इसे बना सकते हैं। तो सब इन्हें बनाने के लिए हमें पुदीने के पत्ते चाहिए, ब्लैक सॉल्ट, पाउडर शुगर, लेमन जूस और ये नींबू के छोटे छोटे पीसेस मैंने कट कर लिए हैं, और ये ऑरेंज जूस ले लिया है। आप कोई भी ऑरेंज जूस ले सकते हैं, रेडीमेड ले सकते हैं या फिर बना कर ले सकते हैं, या फिर आप फ्रेश ऑरेंज का जूस भी निकाल सकते हैं, बट ये मैंने टैंग जूस ले लिया है ऑरेंज फ्लेवर का। और ये हमें क्लब सोडा चाहिए, मैंने क्लब सोडा ले लिया है, और स्प्राइट भी लगेगा, और ये वाटरमेलन ले लिया है मैंने। तो ये सनसेट मॉकटेल बनाने के लिए हम वाटरमेलन एंड ऑरेंज का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले वाटरमेलन को हम पीस लेंगे, पानी वगैरह नहीं डालना है, सिर्फ ऐसे ही पीस लेना है। ये देखिए इस तरीके से मैंने पीस लिया है वाटरमेलन को। अब इसको छन्नी में छान लेना है ताकि इसका जूस अलग हो जाए। हमें बिल्कुल पतला जूस चाहिए इसका सिर्फ। तो ये देखिए इस तरीके से छान ले। तो अब तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर ले, बेल बटन को ज़रूर दबाए। बेल बटन को दबाने से ही आपको मेरी नेक्स्ट रेसिपी मिल पाएगी। तो ये देखिए वाटरमेलन का फ्रेश जूस निकल चुका है, अब इसको हम साइड में कर देते हैं। तो जूस ग्लास ले लेंगे, आप जिसमें भी बना रहे हैं, जार में या ग्लास में, वो ले लीजिए। तो सबसे पहले हम बना रहे हैं सनसेट मॉकटेल, जिसके लिए ग्लास में पुदीने के पत्ते को तोड़ कर डाल दे, थोड़ा सा क्रश कर ले पत्तों को और इस तरीके से डाल दे। वन एंड हाफ टीस्पून लेमन जूस डालेंगे इसमें, और ये ऑरेंज जूस जो हमने बनाया था ये पूरा हम इसमें डाल देंगे। अब हम इसमें आइस क्यूब्स डालेंगे। जितने आपको आइस क्यूब्स डालना है आप उतने डाल सकते हैं। अब इसमें स्प्राइट डाल देंगे हम। अब जो वाटरमेलन जूस बनाया था वो इसमें ऐड कर देंगे पूरा, और बिल्कुल चिल्ड सर्व करना है आपको, ठंडा ठंडा इसको सर्व करना है। बहुत ही टेस्टी और मज़े का लगता है ये पीने में। तो ये देखिए हमारा सनसेट मॉकटेल बनकर रेडी है, काफ़ी ब्यूटीफुल लुक आया है इसका, और पीने में भी बहुत ही टेस्टी और यमी सा है। तो आप इसको समर में बनाकर पी सकते हैं, बिल्कुल परफेक्ट है समर के लिए, और इफ्तार के लिए भी ये बहुत ही सही ड्रिंक है। अब हम नेक्स्ट बनाएंगे वर्जिन मोजिटो, जिसके लिए ग्लास ले लेंगे जूस का, उसमें पुदीने के पत्ते थोड़े से तोड़कर ऐड कर देंगे, और थोड़े पत्तों को इसी अखा भी डाल देना है। अच्छा, इसकी स्पेलिंग से आप इसको मोजिटो पढ़े होंगे, बट इसको मोजिटो नहीं बोला जाता है, इसको मोहितो बोला जाता है, तो इसलिए हम वर्जिन मोहितो बना रहे हैं। अब लेमन जो टुकड़े हमने लेमन के करके रखे थे वो इसमें डाल देंगे, और इस तरीके से इनको दबा लेना है, थोड़ा क्रश कर लेना है। आप बेलन वगैरह का भी यूज़ कर सकते हैं ताकि पुदीने का और लेमन का फ्लेवर इसमें आ जाए। तो इस तरीके से हल्का हल्का सा क्रश कर लेना है, ज़्यादा नहीं। आप 2 टीस्पून लेमन जूस ऐड कर देंगे इसमें, 2 टेबल स्पून पाउडर शुगर ऐड कर देंगे। पाउडर शुगर का ही आपको यूज़ करना है, दाने वाली शुगर का यूज़ नहीं करना है, वरना वो उसमें घुलेगी नहीं। तो 2 टेबल स्पून पाउडर शुगर डालने के बाद 2 पिंच इसमें ब्लैक सॉल्ट ऐड कर देंगे, आइस क्यूब्स ऐड कर देंगे, अब इसमें हम सोडे का यूज़ करेंगे, सोडा डाल देंगे। आप चाहे तो स्प्राइट भी डाल सकते हैं सोडे की जगह, बट सोडे का अलग ही फ्लेवर है तो काफ़ी मज़े का लगता है पीने में।
अब इसको हल्का हल्का सा मिक्स कर लेना है ताकि नमक और सॉल्ट अच्छी तरह से हमारे मोइतो में मिक्स हो जाए। तो ये देखिए हमारा वर्जिन मोइतो बनकर रेडी है, काफ़ी मज़े का। आप ज़रूर इसे ट्राई कीजिएगा, दोनों ही ड्रिंक्स काफ़ी मज़े के हैं, टेस्टी है। तो आप इसको बनाकर ट्राई कर सकते हैं। जब आपको इसको पीना हो तो स्ट्रॉ से इस तरीके से मिक्स करके आप इसको पी सकते हैं। तो अगर आपको व्यूअर्स मेरी रेसिपीज़ पसंद आती है तो मेरे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो फिर मैं मिलती रहूँगी आपसे इसी तरह से नई नई रेसिपीज़ के साथ। अल्लाह हाफिज़।